तो वेलकम टू टेकोडाइल। जो लोग चैट जीपीटी 4 नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि चैट जीपीटी 4 जो है पेड है और $20 आपको पे करना होते हैं, मगर कल जो अपडेट हुई है OpenAI की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अब चैट जीपीटी 4o जो इनका न्यू मॉडल है, ये अब फ्री में लोग यूज़ कर सकेंगे और ये जो है काफ़ी फास्ट है 3.5 से, और इसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो 4 के करीब है। Big news today is that we are launching our new flagship model and we are calling it GPT-4o. The special thing about GPT-4o is that it brings GPT-4 level intelligence to everyone, including our free users. और ये जो मॉडल है ये अब आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है आप OpenAI की तरफ से कुछ और भी फीचर हैं जो कि पहले प्लस यूज़र्स को अवेलेबल थे, मगर अब इनने क्या किया है कि वो सारे फीचर जो कि प्लस यूज़र्स को अवेलेबल थे वो अब आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी अपडेट है, और हम इसको और भी देखते हैं कि इनने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है और ये मॉडल असल में काम क्या करता है। तो इनका जो न्यू मॉडल है वो है चैट जीपीटी 4o, और यहाँ पे ये कह रहे हैं वी आर अनाउंसिंग चैट जीपीटी 4o आवर न्यू फ्लैगशिप मॉडल दैट कैन रीजन अक्रॉस ऑडियो विजन एंड टेक्स्ट इन रियल टाइम। आपको पता है कि आप हम क्या पहले यूज़ कर रहे थे, हम 3.5 यूज़ कर रहे थे, 4 जो था वो पेड था, और अब जो है नया मॉडल आ गया है 4o। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि ये लोग 5 अनाउंस करेंगे और 16 रिलीज़ करेंगे, मगर वो अभी फ़िलहाल के लिए रिलीज़ नहीं की। और ये जो है 4 ओमनी ये काफ़ी फास्ट है, अगर हम इसको ट्राई करके देखें तो ये जो है हमें काफ़ी फास्ट रिस्पांस देता है, और इसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी 4 के करीब है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे मूव करें, हम इसकी डेमो वीडियोस भी देखते हैं जो कि काफ़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की हैं, और ये बताती हैं कि जो मॉडल है ये कैसे काम करेगा। अब ये जो ओमनी है ये कर रहा क्या है असल में, कि ये ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट को यूज़ करेगा, और इसकी जो कन्वर्सेशन लेवल होगा वो इंसान की तरह ही होगा, जैसे आप इंसान से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एक वीडियो भी देख लेते हैं और फिर जो है आपको इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, और ये जो है काफ़ी पिछले दिनों से वायरल है। इसमें हो रहा क्या है कि चैट जीपीटी जो है वो बर्थडे विश कर रहा है, और जो उसकी वॉइस है वो ऐसा लग रहा है कि ये असल में कोई जो बंदा है वो बात कर रहा है। तो हम इसको प्ले करते हैं। दिस इज बोवन एंड दिस इज माई फ्रेंड जॉर्डन। Can you guess what we are doing here? Hey, Bowen and Jordan. Let me guess. With that cake and candle there, it looks like someone's having a birthday. Are you celebrating a special day or just finding an excuse to eat cake? Either way, I'm intrigued. That's correct. Today is my friend Jordan's birthday. Yeah, you got it. I was hoping that you could sing me the birthday song. Of course. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Joel Warden, happy birthday to Jordan, blah, 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 blah. That was so great, thank you so much. Thank I'm going to make a wish. You're welcome, make a good wish and be it. तो आपने देखा कि अब जो है चैट जीपीटी देख भी सकता है और उसके सराउंडिंग में जो चीज़ हो रही होगी वो भी कर सकता है। इससे जो है आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर कोडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, आप अगर कोई असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा, आप कोई और जो है इशू है तो आपको उसमें हेल्प करेगा। और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई भी हैं जो कि है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो नाबीना लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो अपने सराउंडिंग को देख सकते हैं और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सेफ जगह पे हूँ कि नहीं। इसी तरह जो है इनने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में भी एग्जांपल बताई हुई है। अच्छा, इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि चैट जीपीटी 4 जो बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं यूज़ कर पा रहे थे, अब उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसमें जो है कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि फ्री यूज़र के लिए आ गई हैं, और उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे मूव करें तो जो चैट जीपीटी 4 ओमनी है उसकी इंटेलिजेंस लेवल 4 के जितना ही है। इसका मतलब है कि आपको 4 की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी और $20 जो है स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकेगा और आपको लेटेस्ट डाटा सर्च करके लाएगा। तो ये भी फ़ायदा आपको हो गया है, आपका फ्री अकाउंट में ये जो है ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था, और जिनके पास जो है
ChatGPT-4 था उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल था कि ये वेब को सर्च करता, मगर अब जो है ये फ्री में आपको ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तीसरे नंबर पे है एनालाइज डाटा, और इसमें जो है आपको ये चार्ट वगैरह बना के से ये सकता है, आपकी जो है आपको हेल्प कर सकता है डाटा एनालिसिस में। तो ये भी जो चीज़ें थी ये पहले प्लस यूजर्स के लिए थी, अब ये फ्री हो गई है। उसके बाद जो है आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और आपकी ये पिक्चर को देख के आपको जो है आंसर दे सकता है, पहले ऐसे नहीं था, और तो ये भी जो है बहुत अच्छी बात है। और आप फाइल भी अब अपलोड कर सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जीपीटी स्टोर। आपको पता है कि जीपीटी स्टोर जो था वो अवेलेबल नहीं था यूज़र्स के लिए, और जो कि फ्री जिनका अकाउंट था, और ये सिर्फ पेड यूज़र को अवेलेबल था, मगर जो है चैट जीपीटी स्टोर अब सबको अवेलेबल हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो एक्सप्लोर चैट जीपीटी स्टोर को देखें तो हमारे पास जो है लाखों की तादाद में यहाँ पे कस्टम चैट बॉट बने हुए हैं जिनको आप अब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जो मेमोरी है वो अब आपको अवेलेबल होगी फ्री अकाउंट में। मेमोरी क्या थी कि जो चैट जीपीटी है वो अब आपकी बात को याद रखेगा, इवन कि आप अगर छोड़ के चले जाते हैं चैट या आप जो है ब्राउज़र बंद कर लेते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये इसको वो वाली बात याद रखी होगी, और जो चीज़ें आपने इसको पहले बताई होंगी वो उसके जो है मेमोरी में होंगी, और जब आप न्यू बात शुरू करेंगे तो उसको पुरानी बातें याद होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो पेड यूज़र के लिए थी अब जो है फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इसकी जो है डेस्कटॉप ऐप भी आ गई है। फिलहाल के लिए इसकी जो डेस्कटॉप ऐप है मैक यूज़र्स के लिए अवेलेबल है, वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होने लगा है। जो लोग कोडिंग करते हैं, कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं, या एक्सेल शीट के ऊपर काम करते हैं, या वैसे भी इनका जनरल पर्पस कोई काम है, तो अब जो है ये ऐप आपको हेल्प कर सकती है। तो इसकी जो डेस्कटॉप ऐप है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अब जो इसकी एक इसका जो UI है उसको भी चेंज किया गया है, और जो ये ChatGPT है अब इसको नज़र भी आ सकता है। तो आप OpenAI के इस न्यू मॉडल के बारे में क्या कहते हैं, और क्या आपको जो है अभी तक इसकी एक्सेस मिली है कि नहीं? अगर नहीं मिली तो एक दो वीक्स में जो है आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।